अहम से भाजपा के प्रत्याशी बलराज सिंह कुंडू का चुनावी प्रचार लगातार जारी है। कुंडू लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बलराज कुंडू ने गांव भैणी माता सीसर खास घटौड़ी लाखन माजरा भैणी चंद्रपाल मोखरा समेत कई जगह जनसंपर्क कार्यक्रम किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का भारी जोश देखने को मिल रहा है, जिससे कांग्रेस बीजेपी समेत अन्य प्रत्याशियों के हौसले बुरी तरह से पस्त हो गए। 50,000 लोग खरीदा बांट ली मैं और 10,000 और बांट देंगे बाबू बेटा इतने लाख के लिए, तो इनकी बकाई में ना आइयो। नगर नौकरी हम आप ले लें, हमारे दौड़े शाह कलर छाल गया तो हमारी फाइल तैयार करने लग रहा है, ठीक है ना। उसको अपने बेटे की चिंता है, आपके इस बेटे को आपके बेटों की चिंता है, ये फर्क है। वादा करता हूं आपसे इस बात का, सरकार में मजबूत हिस्सेदार बनेंगे और फिर उस कलम ने चला के दिखाऊंगा तारे का। और एक वादा और करता हूं, वह कलम चाहे पद से भी पढ़ना आगे हुए रोकनी है कोनी पाव तो मैंने बीतनी में मेरा बेडरूम में पड़ी हो जो वही पढ़ना। अब तक लड़ाई थी, अब तक काम जारी था आपकी अपने महम की उन बेटियों को पढ़ाने का, आपकी बार आपके बेटा बेटी को नौकरी के लिए लड़ूंगा इस बात का वादा। उनकी तरिया झूठ बोलनी जानती नहीं बाबू बेटा की तरिया, लेकिन ये वादा करता है ये आपका बेटा आपका ये भाई की सवाया नहीं डेटा लाके दूंगा इस बात की गारंटी देता हूँ। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, बीजेपी वाले जो भाई हैं वह थरी बाढ़ देख रहे हैं, जाकर उन्हें मना लो, उनका स्वागत करके अपनी गेल ले आओ। सारे चार बैठे हैं और ये गणे भाई इन कांग्रेसिया ने उन जबरुआ ने बका रखे नौकरी के नाम पर, उनने असलियत बता दो थारा नंबर ना हो, इन जबरुआ गए कई करोड़ अपने चक्कर में बाजे आते हैं।